LIC प्रस्तुत करता है डिजिटल बाल मेला, बच्चों के लिए बड़ा अवसर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बाल सत्र 12 जून 2023। 68 बच्चे पहुंचेंगे शिमला, 21,000 का इनाम। नमस्कार, मैं यशिका राजकीय उत्कृष्ट कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुर बुशहर की 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरी आयु 11 वर्ष है। अगर मुझे कोई मंत्री पद मिलता है तो मैं शिक्षा विभाग की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहूंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक स्वस्थ और जागरूक समाज के निर्माण के साथ साथ हमारे आने वाले भविष्य को सुखद बनाने का काम एक अच्छा शैक्षणिक वातावरण ही तैयार कर सकता है। शिक्षा विभाग हालांकि बहुत ही अपग्रेड हुआ है, काफी सारी चीजों में बहुत से सुधार भी हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकारी स्कूलों से आम जनमानस का मोह टूट रहा है। आज जनता इतनी सारी सुविधाएं सरकारी स्कूलों में होने के बावजूद भी निजी क्षेत्रों की तरह अगर पलायन करने को मजबूर है तो यह एक गंभीर चिंता का विषय होने के साथ साथ सरकारी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हमें निजी क्षेत्रों से कोई द्वेष नहीं है, हमें चिंता है तो बस उस व्यवस्था की, जो एक गरीब तबके से और उस आम जनमानस से है जो निजी सेवाएं अफोर्ड नहीं कर सकता। सरकारी शिक्षा व्यवस्था में जो कमियां मुझे लगती हैं, उन कमियों में को मैं दूर करने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले तो सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता है। स्कूलों में बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था हो सके, इसका मैं प्रयास करूंगी। स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था करवाना, जो मुझे लगता है आज के समय में सबसे बड़ी मांग है। स्कूलों में स्मार्ट वर्दी भी शुरू करवा देनी चाहिए, क्योंकि सभी अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में तो शिक्षा ग्रहण करें ही, लेकिन वो अच्छी वर्दी भी पहने, ये सभी का सोचना है। शिक्षा को व्यवहारिक बनाने का और रोचक बनाने का प्रयास मैं करना चाहती हूँ, ताकि बच्चे पढ़ाई से बोर ना हो। ऐसा काफी सारे स्कूलों में देखा जा सकता है कि बहुत से बच्चे पढ़ाई से बोर हो चुके हैं और अपनी पढ़ाई में ढंग से ध्यान नहीं लगा पा रहे, जिसके साथ ही साथ वो अपने परीक्षाओं में भी असफल हो जाते हैं। जहां तक हो सके बच्चों की कक्षाओं में ग्रुप डिस्कशन को शुरू किया जा सके। जितना ज्यादा बच्चा अपनी इन्वॉल्वमेंट पढ़ाई को दे पाएगा, उसके लिए एक प्रभावशाली कदम उठाने का प्रयास मैं करूंगी। सरकारी स्कूलों की तरफ जनता का रुझान बढ़े, इसके लिए सकारात्मक कदम उठाते हुए SMC और PTA को विशिष्ट ट्रेनिंग व काउंसलिंग का प्रावधान मैं जरूर करूंगी। जनता की सहभागिता कार्यक्रम मैं शुरू करूंगी, जिससे जनता का विश्वास और रुचि सरकारी स्कूलों की ओर बढ़े, आधुनिक शिक्षा को वो बल देने का प्रयास करूंगी, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। स्टाफ की उपलब्धता सबसे अहम रहेगी। ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं जिसमें मैं सुधार करने का प्रयास करूंगी। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।